खुल गया, लॉक खुल गया तो जो जैसे विंडो आती थी फ़ोन रीसेट करने वाली आ गई। अगर इस मोबाइल फ़ोन में मान लिया एफ आर पी लॉक भी लगा है, तो एफ आर पी लॉक लगा है तो इसमें इमरजेंसी में जाइए। इमरजेंसी में जाने के बाद इसमें कोड टाइप करिए *813# और कॉलिंग कर देंगे। जैसे कॉलिंग करेंगे 2 सेकंड के बाद पूरी विंडो नहीं आ जाएगी, आ गई। अगर मान लिया इसमें एफ आर पी लॉक लग भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओप्पो रियलमी के फ़ोन में एफ आर पी लॉक का कोई महत्व नहीं होता। उसमें जब आप कोड डालेंगे *813 तो देखिए पूरा फ़ोन नया हो गया, लॉक खुल गया। ठीक, ये हमारा फ़ोन फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि कैसे ओप्पो का मोबाइल फ़ोन आएगा और उसमें क्वालिकॉम सीपीयू लगा होगा तो किस तरीके से मोबाइल फ़ोन में लॉक खोलेंगे, इसका तरीका हम लोगों ने समझा हुआ है। ठीक है, क्वालिकॉम का कोई भी सीपीयू और उसमें कोई भी तरह का लॉक लगा हो, आप इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर देंगे और आपके मोबाइल फ़ोन में लॉक खुल जाएगा। तो आज की वीडियो में रहा कि हम लोगों ने यूएफआई से ISP पिन आउट के माध्यम से किस तरीके से लॉक को ओपन किया है। ठीक है, ओके। देखो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग जंपर लगाएंगे तो जंपर लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इमेजेस अपनी खोल लेते हैं। इमेज खोलने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि हमको जंपर कैसा लगाना है। ठीक है, तो ये इमेजेस जो होते हैं ये हम लोग कहाँ से निकाल लेते हैं, गूगल से निकालते हैं। कहाँ से निकाल लेते हैं, गूगल से निकाल लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बोर्ड में जंपर लगाएंगे, जो हमारा जो PCB बोर्ड है, इस PCB बोर्ड में हम लोग क्या करेंगे, जंपर लगाएंगे। जंपर लगाने के बाद, वो सारे जंपर लगाने के बाद, उस जंपर को कनेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, UEFI पे कनेक्ट कर लेंगे। किससे कनेक्ट कर लेंगे, UEFI से। अब पंखा थोड़ा बंद कर दो, ये पंखा वहाँ के लिए बड़ा हार्मफुल होता है क्योंकि फिर वो गर्म ठंडा खेलता रहता है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जंपर जो लगाने जा रहे हैं, वो पहला जंपर हम लोग किसका लगाएंगे, क्लॉक का लगाएंगे। किसका लगाएंगे, क्लॉक का। क्लॉक का जो जंपर है वो कहाँ पर दिया हुआ, रजिस्ट्रेशन पर दिया हुआ है। आप लोग सब लोग अपने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल पर खोल लीजिएगा ताकि आप लोग देखते भी रहेंगे, हम लगाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए इस तरीके से जो फ़ोन आते हैं इन्हीं को हम लोग रिपेयरिंग में, हम लोग एडवांस लेवल की रिपेयरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एडवांस लेवल जी। आप देखिए हमको क्या करना है, रजिस्टर पे जंपर लगाना है जी सर। ये देखिए ये दो रजिस्टर दिए हुए हैं, इस रजिस्टर पे हम लोग क्या करेंगे, जंपर लगाने जा रहे हैं। लग गया, ठीक। जंपर लगने के बाद उसको थोड़ा सा स्ट्रेस भी कर लेना, ये देख लेना कि मजबूत लगा कि नहीं लगा, है ना, कैसे लगाया, कटरे खुल गया, थोड़ा सा मजबूत लगना चाहिए, सफाई से लगनी, कोई शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। ये आपने कौन सा जंपर लगा दिया है, क्लॉक का जंपर लगा दिया। क्लॉक के बाद फिर आप क्या करेंगे, इसमें दूसरा जंपर लगाएंगे। दूसरा जंपर जो लगाएंगे वो जंपर आप किस चीज़ का लगाएंगे, डाटा का लगाएंगे। किसका लगाएंगे, डाटा।
आप देखिए हम लोग को जम्पर कहाँ लगाएंगे, डाटा का लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, डाटा का लगाएंगे। डाटा का नीचे दिया हुआ है, उससे पहले सीएमडी दिया हुआ है। सीएमडी चौथा नहीं, पांचवा वाला सीएमडी है, पांचवा वाला। तो सीएमडी पे लगा रहे हैं कि उसके डाटा पे? सीएमडी पे लगा रहे हैं। दिखाई दे रहा ना उधर? लग गया ये कौन? नहीं, उसके नीचे जड़ पे ही लगाना होता है। ये हमने किसका लगा दिया? सीएमडी का लगा दिया। इसमें रजिस्टर तो दिख ही नहीं रहा सर। सीएमडी के बगल में रहेगा डाटा और बीसीसीक्यू डाटा। देखो उधर, अब हमको किसमें लगाना है? डाटा। सीएमडी के बगल में डाटा। लग गया सही से? अब देखो तीन जंपर लगा दिया हमने, कौन सा लगा दिया? क्लॉक, सीएमडी, डाटा। अब एक जंपर आपको लेना है वीसीसीक्यू। किसका लेना है? वीसीसीक्यू। वीसीसीक्यू जो जंपर होता है ये तुम्हारा वोल्टेज का जंपर होता है। किसका जंपर होता है? वोल्टेज का। वीसीसीक्यू वाला पॉइंट यह दिया हुआ है, ये तुम्हारा सीएमडी के बगल वाला रजिस्टर उसके पास वाला है ना भाई? हो गया ना? लग गया ना सही से? इधर उधर तो नहीं है? चिमटी लाइए। मिल गई तुम्हारी?
आपस में नहीं लगाएंगे? नहीं, अलग अलग हो गए। अब आपको जंपर देना है ग्राउंड का, किसका जंपर देना है? और जो VCC क्यों का आपने जंपर लगा दिया, VCC का ज़्यादा वोल्टेज होता है, VCC के लगाने का कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम डाटा केबल तो सप्लाई दे देंगे। VCC का नहीं लगाएंगे? डाटा केबल सप्लाई दे देंगे तो वहाँ तो USB से लाइन उसको बन जाएगा। जो ग्राउंड वाला होगा सर, उसको कहाँ से लगा? ग्राउंड वाला कहीं से भी लगा दो। अच्छा, अरे तुम इतने दिन ग्राउंड नहीं समझ पाए? अब ये जंपर तुमको लगाने पड़ेंगे TMS अडेप्टर पे। कहाँ पर लगाने पड़ेंगे? TMS अडेप्टर पे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ग्राउंड वाला लेंगे। कौन सा लेंगे? इसमें तो कई ऐसे जंपर होंगे तो इधर उधर करते करते हट ही जाते हैं। ग्राउंड पर लगा दिया। ग्राउंड पर लेने के बाद फिर हमने जंपर लिया, ये काहे का? VCC का है। किसका है? VCC का VCC भी लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, अगला जंपर जो लेना है ये आपका डाटा का है। डाटा का नहीं, CMD। CMD के बाद फिर ये जंपर आपका काहे का है? डाटा का है। डाटा के बाद अब आपको ये जंपर एक क्लॉक का है। ये हमारे सारे जंपर कनेक्ट हो चुके हैं। सारे जंपर कनेक्ट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको UFI में लगाएंगे। किसमें लगाएंगे? UFI में लगाने से पहले आपको बोर्ड को इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा और इसमें चार्जिंग वाला पत्ता जो है इसको लगाना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो इसको इसको एडेप्टर लगा देते हैं।
ये लगा दिया, कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने को हमको क्या चाहिए, डाटा केबल चाहिए। डाटा केबल तो क्या हो गया, हमको यूएसबी से इसको सप्लाई देनी पड़ेंगे। क्या करनी पड़ेगी, वोल्टेज की सप्लाई मिल जाएगी। वोल्टेज की सप्लाई देनी पड़ेगी। जिसमें वोल्टेज की सप्लाई दे दोगे, आप क्या करोगे, सिस्टम से कनेक्ट करेंगे। सिस्टम से कनेक्ट करने के बाद ये हमारा देखिए सिस्टम कनेक्ट हो चुका है। सिस्टम से कनेक्ट होने के बाद डाटा केबल को इसमें लगा देंगे। कनेक्ट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम अपना सॉफ्टवेयर खोलेंगे। क्या खोलेंगे, सॉफ्टवेयर को खोलेंगे। क्या सॉफ्टवेयर खोलेंगे, यूएफआई खोलेंगे। यूएफआई कहाँ पर है, यूएफआई ये हमारा खोल दिया। उसके बाद डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो सारा सॉफ्टवेयर खुल गया, बस खुल गया। अब हमने आईसी का सारा इन्फॉर्मेशन खोल लिया। क्या खोल लिया, अब इसको फॉर्मेट करने के लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, यूजर एरिया। हाँ, यूजर एरिया के बाद स्पेशल टास्क, स्पेशल टास्क के बाद ओपो मास्टर क्लियर, वाइप डाटा क्लियर। अगर आप इसमें खाली हो गई, इतना देखने की जरूरत नहीं है, तुरंत हो जाता है। उसके बाद क्लियर एफ आर पी लॉक, एफ आर पी बैठाना चाहते हैं, क्लियर कर दीजिए, एफ आर पी बटन खत्म। हाँ, खो गया। तो ये सॉफ्टवेयर से जैसे कहते हैं ना, मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करने में कितना समय लगता है, पलक झपकते ही फॉर्मेट हो जाए, डाउनलोड करने में समय लगता है। उसी तरीके से आईसी को क्या कर दिया इसने, क्लियर कर दिया। हमने आईएसपी को कनेक्ट कराया, कनेक्ट कराने के बाद इसने बॉक्स ने लिया, बॉक्स ने उसका सॉफ्टवेयर खोल दिया। ये उससे भी आसान है, किससे, डाटा केबल से। उसमें पोर्ट बनाएगा, कनेक्ट करो, ये है वो, इसमें कोई टीम जाम नहीं, बस खाली आईएसपी से कनेक्ट कर लो, आइडेंटिफाई करो, पूरा डिटेल खुल जाएगा। आप देखिए हो गया। अब उसके बाद हम लोग इसको हटा देंगे, ये हटा दिया, कनेक्शन डिसकनेक्ट करेंगे। जो भी आपने जंपर लगाए हैं वो सारे जंपर हटा दीजिए। अब देखिए, हमने वीसीसी का नहीं लगाया था, हमने जब डाटा केबल सप्लाई दिया ना, तो डाटा केबल ने पावर आईसी ने सप्लाई उसको दे दिया। अब देखो वहाँ पर क्वालिकॉम का पोर्ट भी बंद कर गया था, मतलब फ़ोन कनेक्ट हो गया। अब पहले कनेक्ट कर रहे तो कनेक्ट नहीं हो रहा था। अब ये जंपर जो तुमने लगाए हैं मकड़ी के जाल की तरह, सारे जंपर हटा देने। ठीक है, ये हमने जंपर हटा दिया। जंपर हटाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अपने मदरबोर्ड में डालेंगे। देखो इधर सब लोग, इसको हम क्या करेंगे, मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर रहे हैं। अब देखते हैं रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट देखेंगे कब रिजल्ट क्या आएगा। ऐसा करने से हैंडसेट डेड भी हो जाते हैं कई बार, फ़ोन सॉफ्टवेयर करते समय डेड भी हो जाते हैं, क्योंकि आईसी क्रैश हो गई,
कोई कंपोनेंट लगाने में उखड़ गया तो डेड हो जाते हैं। लगा दिया, उसके बाद मोबाइल फ़ोन को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। मोबाइल फ़ोन डेड होने के पांच कारण। पहला कारण, आपका हाथ नहीं सेट है। दूसरा, जो आप जम्पर लगा रहे हैं वो आप लगाने में कंपोनेंट ही उखाड़ दे रहे हैं। तीसरा कारण कि जब आप मोबाइल फ़ोन में आप जम्पर लगाते हैं तो ये ध्यान देखें, देखो फॉर्मेट हो गया, ये ध्यान देंगे कि जो आप जम्पर लगा रहे हो सही लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। पता चला तुमने कोई गलत चुनाव कर लिया, जम्पर गलत लगा दिया। पाँचवा कारण कि आपको बॉक्स होना चाहिए जिससे आप करेंगे। ये आपका मोबाइल फ़ोन पूरा क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया। जब पूरा मोबाइल फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन फॉर्मेट होने के बाद दोबारा चालू होगा। चालू होने में थोड़ा सा एक आध मिनट का समय लगता है, पूरा मोबाइल फ़ोन चालू हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन चालू होने पर इसका लॉक खुल चुका है। पहले फॉर्मेट कर रहे तो नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, फॉर्मेट करते समय भी पासवर्ड मांग रहा था, इतनी हाई सिक्योरिटी थी। तो हमने पूरे मोबाइल फ़ोन को MMC को ही खाली कर दिया। जब MMC खाली कर दिया तो बस आएगा लॉक। इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर की सबसे एंड रिपेयरिंग होती है, MMC को डायरेक्ट रिपेयर करना। अब इसमें CPU को पता चला, नहीं पता चला, USB को पता चला, नहीं पता चला, हम डायरेक्ट MMC को रीड किए। अब ISP मेथड से हमको ये फायदा रहा कि हमको IC उतारना नहीं पड़ा। भाई IC में सप्लाई कहीं ना कहीं से जा रही थी, तो यहीं से सप्लाई जा रही थी तो हमने यहीं से पकड़ लिया। और नहीं तो अगर नहीं ISP पिन ना होते तो फिर हमको क्या करना पड़ता, फिर से बॉक्स करना पड़ता। तो इतना सारा जो टीम जाम करना पड़ता, तो अगर हम ISP से हो गया तो बढ़िया आसान है। इसलिए मोबाइल फ़ोन जो लॉक खोलने का काम होता है वो इससे होता है, इससे। अब देखिए जब ये पूरा लॉक खुल जाएगा तो फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और आज आपको ISP का प्रैक्टिकल भी हो गया, UFI का भी तरीका पता चल गया कि UFI कैसे लॉक खोलता है। इसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम इसमें ओप्पो लगा रहे हो, वीवो लगा रहे हो, जोपो लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, कोई मतलब नहीं। इसको मतलब सिर्फ MMC से बस, उसके कनेक्शन दे दो खाली कर देगा। अच्छा, इससे तुम चोरी का मोबाइल फ़ोन कोई भी हो खूब जेल के लॉक खोलो, क्योंकि इसको इंटरनेट से भी कोई मतलब नहीं, सिर्फ IC को ही खाली कर रहा है। तो IC को कौन खाली कर गया पता ही नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन तो सेव नहीं होती। भाई मेमोरी कार्ड को जब किसी कंप्यूटर में लगाओ तो ठीक है, तुमने लिया फट से फॉर्मेट मार दिया तो कोई कनेक्शन नहीं। इसी बार ऐसा होता है कई बार जब मोबाइल फ़ोन में कोई मेमोरी कार्ड लगाते हैं कंप्यूटर में, तो बोलते हैं कि पहले फॉर्मेट कर दो, ताकि खुलने से पहले फॉर्मेट हो जाए तो कोई वायरस नहीं आएगा। इसी तरीके से इसमें कि ये लोग खुलने से पहले ही हमने उसको क्या कर दिया, फॉर्मेट कर दिया। चोरी के मोबाइल फ़ोन इससे कर सकते हो, लेकिन आप करोगे नहीं। पता चला भाई मोबाइल फ़ोन तो अपनी लोकेशन नहीं बता रहा है, लेकिन जिसका मोबाइल फ़ोन निकल कर वही पकड़ा गया, जब उसके चार डंडे पड़ेगा तो तुमको भी बता देगा, तो दो चार डंडे तुम्हारे भी इससे के आ जाएंगे। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि मोबाइल फ़ोन, आप कभी चोरी का मोबाइल फ़ोन का लॉक नहीं करना होता है। अगर करना होता है तो आप उसमें ID प्रूफ ले लें। ID प्रूफ ले लें तो आपके लिए क्या रहेगा, आसानी रहेगा, सहूलियत रहेगा। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर पासवर्ड लॉक लगाएं जी। इस लॉक को तोड़ने के लिए हम लोग किसी भी डोंगल के माध्यम से लॉक नहीं तोड़ सकते। इस लॉक को ISP पिन आउट के माध्यम से तोड़ा जाता है। जैसे मैंने आपको इससे पहले क्लास में मैंने आपको सिखाया है कि ISP पिन आउट को कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट करने के बाद उसको कैसे फाइंड करते हैं, वो मैंने तरीका बताया। आज हम लोग क्या करेंगे, उसका पूरा स्टेप बाई स्टेप प्रैक्टिकल करेंगे। इसमें पासवर्ड लगाएं, आपने जैसे राकेश जी बताया कि इसमें पासवर्ड लगा, तो हम लोग रिकवरी मोड से भी पासवर्ड को तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बार रिकवरी मोड में ले जाएंगे फ़ोन को, बैटरी हटा दी, फ़ोन बंद हो गया, फिर से बैटरी लगा दीजिए, बैटरी लगाना है उसको मोबाइल फ़ोन को ऑन करेंगे। मोबाइल फ़ोन ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम माइनस बटन दबाना पड़ेगा और वॉल्यूम प्लस दबाओ, जरा पावर दबाओ, पेन से दबा दो। ठीक, छोड़ दो। जब हमारा फ़ोन चालू हो जाएगा तो हमारा फ़ोन रिकवरी मोड में जाएगा। किस में जाएगा, छोड़ दो।
फोन खुला है ना तो उसका वॉल्यूम माइनस बटन सही तो प्रेस नहीं हो पाया होगा तो सहना गया हो। चला गया। आप देखो इसमें क्या करेंगे, इंग्लिश में जाएंगे, वाइप डाटा करेंगे। आप देखो वाइप डाटा करते समय भी पासवर्ड मांग रहा है, आप इसको फॉर्मेट ही नहीं कर सकते, मतलब फॉर्मेट करने में पासवर्ड मांग रहा है। नहीं ले रहा है। नहीं ले रहे, मतलब पासवर्ड नहीं लगा तो हम फॉर्मेट नहीं कर सकते। तो इसको फॉर्मेट करने का मतलब होता है कुल मिलाकर हम ऐसा काम करें कि इसकी ईएमसी आईसीयू खाली कर दें जी। क्या कर दें? फॉर्मेट कर देंगे। अब ईएमसी आईसीयू को फॉर्मेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहली बात हमको मदरबोर्ड को बाहर निकालना पड़ेगा, पीसीबी को बाहर निकालने पड़ेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको आईएसपी मेथड से कनेक्ट करेंगे, मतलब आईसी को डायरेक्ट नहीं निकालेंगे क्योंकि डायरेक्ट निकालने में मतलब एक बार का रिस्क ज़्यादा है और नहीं निकालेंगे तो रिस्क कम है। हम लोग जंपर से आईसी को रीड कर लेंगे। इसको ड्राइवर दीजिए ज़रा। आप देखो इस मदरबोर्ड को हम लोग क्या करेंगे, खोलेंगे। हम लोग क्या करेंगे, मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेंगे। देखो मदरबोर्ड को बाहर निकालने के बाद ये खुल गया। अब इसमें आपको देखना है, क्या देखना है? आईएसपी पिन देखना है। क्या देखना है? आईएसपी पिन आउट देखना है। तो आईएसपी पिन आउट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जाना पड़ेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा? गूगल पे जाना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, गूगल खोलेंगे। गूगल में हमने सर्च किया, क्या डाला कि CPH 09 ISP, कोई दूसरा फ़ोन है दिखाओ जरा गूगल जिस पे। इस पे सर्च करो जरा CPH 1809 ISP पिन। देखो अब ये तो कोई ये बता देगा कि ये वाले भाई जंपर हैं, यहाँ से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो ये मदरबोर्ड में जो दिया हुआ है, ये मदरबोर्ड में ऐसे कॉर्नर पे दिया हुआ है। हम इसका कैमरा थोड़ा सा हटा लेते हैं। यहाँ पर ऐसा ना ऐसे, ये ऐसे शेप में दिया हुआ ना, ये मदरबोर्ड हमने रखा नहीं ऐसे ऐसे, ये शेप है ना, ये जाली ऐसे घुसा हुआ है जी। है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके जो पॉइंट दिए वो यहाँ पर दिए हुए हैं जी। है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा एरिया पहले खोलना पड़ेगा ना, जब खोलने पड़ेंगे तब हम करेंगे। चलिए हम लोग इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए पहले जो फॉर्म जैसी लगी उसको हम लोग क्या करेंगे, अलग कर देंगे। ठीक स्टिकर है। हम लोग क्या करेंगे, जो इसके ऊपर ये कूलिंग के लिए लगा होता है ठंडा के लिए, ताकि प्रोसेसर एमएमसीआईसी क्या बना रहे, ठंडा बना रहे हैं। लेकिन फ़ोन का जब लॉक ही लगा है चल नहीं रहा, तो ठंडा ही ठंडा है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये जाली कटर यहाँ से काटना पड़ेगा जी। इसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, जाली को कट करना पड़ेगा।
जाली कट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जाली हमको खुला हुआ चाहिए, कंपाउंड यहाँ लगे हैं, मतलब यहाँ से लेकर के अगर हम लोग यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे तो काम हमारा हो जाएगा। कटर अमित सर कटर देना अपना, हम लोग क्या करेंगे कटर से इसको कट करेंगे। कटर रखवाओ, बहुत आसानी से खोलना है ताकि ये नहीं कि खोलने के चक्कर में प्लेट को डैमेज कर दें, क्रैक कर दें, क्योंकि सीपीयू एमएमसी के बगल का मामला है जी। तो अगर ज़्यादा कर देंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन डेड भी हो सकता है, ठीक है। हाँ आप देखिए, अब अगर अगर आप देखेंगे तो इसके आईएसपी पिनआउट को अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, देखिए सारे लोग, तो इसमें से दो रेजिस्टेंस यहाँ लगे हैं, दो लगे ना, तो पहला वाला ऊपर क्लॉक लगेगा और उसके बाद यहाँ पर एक दो तीन चौथा चौथे वाले पे लगे VCCQ, चौथे वाले VCCQ, फिर एक रजिस्टर लगा है, उस रजिस्टर पर CMD लगेगा, रजिस्टेंस लगा है। तो इस तरीके से आप फिर दो पॉइंट दिए उनको छोड़ देंगे, ग्राउंड कहीं भी ले लेंगे, VCCQ को ले लेंगे, तो मतलब इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। यही पॉइंट आपके उसमें दिए होते हैं, किसमें दिए होते हैं, अडेप्टर में। ये देखिए, ये आपका TMS अडेप्टर है, इस TMS अडेप्टर में ये देखो सारे पॉइंट ये हैं। हमको क्या करना है, यहाँ से जंपर उठाना है और यहाँ से कनेक्ट करना है, यहाँ से जंपर कनेक्ट करेंगे। जैसे आप जंपर से कनेक्ट करेंगे तो जंपर से कनेक्ट करने के बाद फिर इसको हम लगा देंगे यूफाई बॉक्स में। यूफाई बॉक्स दीजिए सर वहाँ से, ये यूफाई बॉक्स है, इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे अपने यूफाई बॉक्स में लगा देंगे। जब आप यूफाई बॉक्स में लगा देंगे तो यूफाई बॉक्स क्या करेगा, इस MMC IC है, इस MMC का IC का जो भी सारा सॉफ्टवेयर होता है वो सारा सॉफ्टवेयर खोल करके आपकी स्क्रीन में दिखा देगा। जब आपकी स्क्रीन में दिखा देगा तो फिर सारा काम स्क्रीन के चालू हो जाता है। फिर स्क्रीन क्या करेगा, उसको फॉर्मेट करेगा, खाली करेगा, FRP हटाएगा, जो भी सारा काम है सब स्क्रीन करेगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कनेक्टिविटी करना, ये सारा काम हार्डवेयर का है। और जब कनेक्टिविटी करने के बाद जब इसका सॉफ्टवेयर खुलता है तो ये काम किसका होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो जितने भी सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग MMC प्रोग्रामिंग का काम सीखते हैं, MMC रिपेयरिंग का काम सीखते हैं या MMC अनलॉकिंग का काम सीखते हैं, तो उस काम को करने के लिए उस बंदे को हार्डवेयर भी आना चाहिए, अगर सॉफ्टवेयर भी आना चाहिए। अगर जब दोनों के बारे में नॉलेज होगा तभी इस काम को पूरा कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। दूसरी बात क्या, अगर मेन इतना बड़ा जो इस काम को बहुत बड़ा हुआ बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि ये जो हमारा जो MMC IC है ये एक तरीके का मेमोरी कार्ड है जिसमें हमारा सारा सॉफ्टवेयर स्टोर होता है। अगर कल को हमारा कोई लॉक लग जाता है तो लॉक लगने के बाद जब आप इसको डाटा केबल के माध्यम से ऐसे कनेक्ट करते हो तो ये यहाँ से कनेक्ट होता है, फिर यहाँ से कनेक्ट होता है, यहाँ से कनेक्ट होने के बाद CPU कनेक्ट होता है, CPU के बाद तब MMC में हम करते हैं। लेकिन इसमें MMC प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट IC को ही रीड कर लेते हैं। जब डायरेक्ट IC को रीड कर लेंगे तो जो भी आपको काम करना होगा, जो भी अनलॉकिंग करना होगा या सॉफ्टवेयर डालना होगा, निकालना होगा, जो भी काम करना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, IC में डायरेक्ट करना है। जब IC में डायरेक्ट करना है तो फिर आपको USB मेथड की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग चलो इसको कनेक्ट करना सीखेंगे, कनेक्ट करने के बाद आगे सीखेंगे जी।